वुमेन पोल बोल्ट इन इंडिया, कहाँ है, कहाँ जाना है। नमस्कार भाई लोग, वुमेन पोल बोल्ट इन इंडिया पर बात करने आए हैं। माफ कर देना, वुमेन पोल बोल्ट गेम का कोई स्टैंडर्ड नेशनल लेवल का भी फुटेज नहीं मिला। स्वामीनाथन गुणशेखरन जी हैं, उनको धन्यवाद कहते हैं। वो स्पोर्ट्स पे वीडियो बनाते रहते हैं और उन्हीं के वीडियो को लेके कुछ एनालिसिस करने के लिए आए हैं। पोल वोल्ट गेम दुनिया में कहाँ है, इसके लिए कुछ टॉप के विजुअल्स का भी इस्तेमाल करूँगा। मैं कोई तुलना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं समझना भाई लोग। मेरा मकसद है किसी भी शासन या व्यवस्था को किसी भी टैलेंटेड खिलाड़ी के साथ मजाक करने का कोई अधिकार नहीं है। पोल वोल्ट गेम के लिए इंटरनेशनल लेवल की कोई सुविधा अपने देश में क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो इसे नेशनल गेम में शामिल क्यों किया हुआ है? जो टैलेंट पोल वोल्ट गेम में आते हैं उन्हें ये बता दो कि इसका कोई स्कोप नहीं है, कोई और गेम खेल लो भाई। मोहल्ला मैच की तरह यूनिवर्सिटी लेवल पर नेशनल पोल वोल्ट गेम करा लेते हो और चार लोगों की तालियों के बीच जो टैलेंट दिखता है वो किसी सपने से कम नहीं होता है। वुमेन पोल वोल्ट इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए दुनिया में पोल वोल्ट का स्तर क्या है। हाय लोग, बस देखिए, महसूस कीजिए अंतर्राष्ट्रीय पोल वोल्ट के स्तर को। ये वो जगह है जहां इंडियन वुमेन पोल वोल्ट प्लेयर को आना है, उन्हें कम्पीट करना है और वो सपने देखती हैं यहीं आने की। इसी तरह की प्रिपरेशन की दरकार उनको है जो उनको यहां तक ला सके। पाँच दशमलव जीरो छः मीटर का पोल वोल्ट जंप रूस की येलिना लगा चुकी हैं और ये रिकॉर्ड 2019 में बना था जो अब तक है। अब आइए वुमेन पोल वोल्ट इन इंडिया की बात करते हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, स्टेट्स में स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, कई तरह के स्पोर्ट्स के लिए हैं। जहाँ यूनिवर्सिटी से लेकर नेशनल लेवल तक के स्पोर्ट्स मीट होते हैं और पंजाब से लेकर दक्षिण के राज्यों में पोल वोल्ट गेम जिंदा है। लेकिन 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेसिंग या लॉन्ग जंप, हाई जंप या रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग जैसा उसका क्रेज भारत में नहीं है और शायद इसीलिए पोल वोल्ट इंटरनेशनल लेवल पे है ही नहीं। वैसे हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप के बाद चौथा पोल जंप का ही नाम आता है और ये एथलीट्स का ही पार्ट है। पोल वोल्ट भारत के पॉपुलर स्पोर्ट्स में अभी तक नहीं आ पाया है। वुमेन पोल वोल्ट प्लेयर को देखिए, ये हैं वीएस सुरेखा, ये 2021 में 38 साल की हुई हैं। इनका बेस्ट 2014 में था 4.15 मीटर की कूद इन्होंने लगाई थी, 4.15 मीटर की कूद इन्होंने लगाई थी। वैसे 2003, 2004 और 2006 में नेशनल लेवल की स्टार थी, आज रेलवे की इम्प्लाई हैं। यहाँ 2017 में 3.60 मीटर की छलांग लगाई इन्होंने। आज भी इनका 4.15 मीटर की पोल वोल्ट छलांग का नेशनल रिकॉर्ड बना हुआ है। यह है कृष्णा रचन, 3.70 मीटर के कूद का रिकॉर्ड है, रेलवे की इम्प्लाई हैं। थैंक्स टू रेलवे जो पोल वोल्ट के प्लेयर को भी नौकरी दे देते हैं, वरना इन्हें तो पता नहीं क्लर्क की नौकरी के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ता। यह है मारिया जैसन, कर्नाटक की हैं, 3.70 मीटर की छलांग लगा रही हैं। चलो यहाँ फेल हो गई, कोई बात नहीं। आपको बता दें कि ये वही मारिया पोल वोल्ट की वुमेन प्लेयर हैं जिनका वीडियो इंडियन गर्ल जंपिंग हाई इन पोल वोल्ट नाम से था और वायरल हुआ था और इनके बहुत उम्मीद थे। लेकिन जहाँ मोहल्ला लेवल की ट्रेनिंग हो वहाँ क्या किया जा सकता है।
दिए हैं डीजा चंद्रन, रेलवे ने इन्हें भी नौकरी दिया हुआ है। 3.70 मीटर की छलांग लगा रही हैं। वाओ, ग्रेट, फैंटास्टिक, सक्सेसफुल। अब जरा एक बार और देखिए, महिला खिलाड़ियों की कोशिश कमाल की है, लेकिन इंतजाम कैसा है? जब ये छलांग लगाकर नीचे गिरती हैं, तो सुरक्षा के लिए गद्दे लगा दिए हैं, लगता है किसी टेंट हाउस से लेकर आए हैं। खिलाड़ी इसके अंदर मानो धस ही जाता है। इस गद्दे से बाहर आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि पोल वोल्ट गेम के लिए ज़रूरी मैट या गद्दे भारत में उपलब्ध नहीं हैं। एक आध बार कुछ जगहों पे अच्छे मैट, स्टैंडर्ड मैट इस्तेमाल भी किए जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल गेम में पोल वोल्ट प्लेयर जब नीचे आता है तो मैट या गद्दा ऐसे होते हैं कि वो स्प्रिंग की तरह बाउंस बैक करता है। उसकी एनर्जी का फ्लो अपवार्ड ही रहता है, अचानक से उसकी ऊर्जा कहीं खर्च नहीं होती। जी हाँ, ऐसे ही हालत पोल वोल्ट की है, ट्रैक और फील्ड की है, ट्रेनिंग और इन्वायरमेंट की है। कॉस्ट्यूम से लेकर के प्रिपरेशन तक अपनी मर्जी का ही होता है। ऐसे में वुमेन पोल वोल्ट को इन खिलाड़ियों ने ही जिंदा रखा हुआ है, इन्हें सलाम। तमिलनाडु की सत्या को देखिए, 3.75 मीटर की छलांग लगा रही है। पीछे राज स्किल का एक विज्ञापन तो दिख रहा है, लेकिन सत्या के कपड़े भी उसने खुद ही जुगाड़ किए हैं, ऐसा लगता है। लेकिन वाओ, परफेक्ट छलांग, लेकिन धस गई गंदे के अंदर। और ये ख्याति वखारिया 3.90 मीटर की छलांग लगा रही है। हर एंगल से परफेक्ट लग रही है। 2 साल पहले का वीडियो है, पिछला साल तो पूरा कोरोना ने खा लिया, आगे का गेम होना है, इन सब खिलाड़ियों से उम्मीद है। आप लोग वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ऐसे हो कि एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया को दिखाया जा सके। आखिर पोल वोल्ट गेम के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? आप सब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। आप सबको वंदे मातरम, जय हिंद।